हेलो वेलकम टू द सीओ जी एनला यूट्यूब चैनल बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र माने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वन लाइनर क्वेश्चन आंसर मेगा सीरीज पहला प्रश्न अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है उत्तर बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है वही अधिगम का प्रतिफल है दूसरा प्रश्न अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है उत्तर प्रेरणा के लिए तीसरा प्रश्न अधिगम में वृद्धि की जा सकती है उत्तर प्रोत्साहन देकर प्रोत्साहन देकर अधिगम में वृद्धि जरूर की जा सकती है चौथा प्रश्न अधिगम सर्वोत्तम होगा जब उत्तर अभिप्रेरणा होगी अभिप्रेरणा होगी तो अधिगम सर्वोत्तम होगा पांचवा प्रश्न अधिगम से संबंधित मनोविज्ञान की विचारधाराओं एवं उनके प्रतिपादक के जोड़े हैं पहला व्यवहारवाद वाटसन एवं गुत्री दूसरा फैकल्टी मनोविज्ञान वुल्फ एवं रीड का तीसरा पुनर्बलन हल एवं स्किनर छठवा प्रश्न अधिगम स्थानांतरण का सबसे पुराना सिद्धांत है उत्तर मानसिक शक्ति का सिद्धांत सातवां प्रश्न अधिगम हेतु कोहलर का प्रयोग डैश पर आधारित था उत्तर चिंपांजी। आठवां प्रश्न अधिगम आदतें ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना है उक्तांसर अधिगम को किसने परिभाषित किया है उत्तर क्रो एंड क्रो ने नववा प्रश्न अधिगम कर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को चाहिए कि उत्तर उसको अधिक काम दे ताकि उसको क्रोध करने का समय नहीं मिले। दसवां प्रश्न अधिगमता का स्व नियमन का क्या अर्थ है? उत्तर अपने सीखने का स्वयं अन्वेक्षण करने की योग्यता दसवा प्रश्न अधिगमता का स्वनियमन का क्या अर्थ है उत्तर अपने सीखने का स्वयं अन्वीक्षण करने की योग्यता ग्यारहवा प्रश्न अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य बालक में उपयुक्त व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा व्यवहार परिवर्तन लाना यह परिभाषा है उत्तर गिलफोर्ड बारहवा प्रश्न अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है उत्तर समस्या समाधान अधिगम तेरहवा प्रश्न अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है उत्तर विद्यार्थियों का समरूप समूहों में वर्गीकरण चौथावा प्रश्न अध्यापक का विशेष गुण है उत्तर सहनशील अध्यापक में सहनशीलता का गुण जरूर होना चाहिए पंद्रहवा प्रश्न अध्यापक की प्रभावशीलता निर्भर करती है इस बात पर कि वह उत्तर छात्रों को मानसिक रूप से कितना सक्रिय करता है सोलहवा प्रश्न अध्यापक की सर्वाधिक उपयुक्त उपमा दी जा सकती है सत्रहवा प्रश्न अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है उत्तर पहला उच्च योग्यता दूसरा उच्च सृजनात्मकता तीसरा उच्च वचनबद्धता अठारहवा प्रश्न अध्यापक के व्यावसायिक उन्नयन के लिए उपयोगी है उत्तर निरौपचारिक शिक्षा उन्नीसवा प्रश्न अध्यापक द्वारा निरीक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली बालक की पहचान किस कारण से कठिन है उत्तर निरीक्षण द्वारा भावनात्मक समस्या से ग्रस्त प्रतिभाशाली की पहचान अध्यापकों द्वारा नहीं हो सकती है बीसवा प्रश्न अध्यापन का अधिगम से क्या संबंध है उत्तर दोनों एक दूसरे के सहायक है इक्कीसवा प्रश्न अध्यापन के समय अध्यापक को किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए उत्तर वैयक्तिक भिन्नता अध्यापन के समय अध्यापक को वैयक्तिक भिन्नता का सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए बाईसवा प्रश्न अनुदेशन का प्रणाली उपागम है उत्तर समस्या केंद्रित तेईसवा प्रश्न अनुबंध के गोचार की शुरुआत डैश के द्वारा की गई थी उत्तर पावलो चौबीसवा प्रश्न अनुबंधन का कौन सा प्रकार उद्दीपकों के साथ साथ घटित होने पर आधारित न रहकर व्यवहार के परिणामों के प्रभाव पर निर्भर करता है उत्तर क्रिया प्रसूत अनुबंधन पच्चीसवा प्रश्न अनुबंधन के गोचार की शुरुआत डैश के द्वारा की गई थी पावलों के द्वारा अनुबंध गोचार की शुरुआत पावलों के द्वारा की गई थी छब्बीसवा प्रश्न अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही उपस्थित किए जाने पर अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना कहलाता है उत्तर विलोप सत्ताईसवा प्रश्न अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत है उत्तर अधिगम का सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत माने अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत है अठाईसवा प्रश्न अनुबंध प्रयोगों में अनुबंधित अनुक्रियाओं का विलोपन किस कारण होता है उत्तर पुनर्पलन की अनुपस्थिति उनतीसवा प्रश्न अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अधिगम की यह परिभाषा दी गई है उत्तर गेट्स ने गेट्स ने अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं कहा है तीसवा प्रश्न अनुभव के द्वारा व्यवहारगत परिवर्तन है उत्तर अधिगम इक्तीसवा प्रश्न अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है अधिगम की यह परिभाषा किसने दी है उत्तर गेट्स व अन्य बत्तीसवा प्रश्न अनुभवों के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों को कहा जाता है उत्तर अधिगम तैतीसवा प्रश्न अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तदा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है कहलाता है उत्तर क्रियात्मक अनुसंधान चौतीसवा प्रश्न अनुसंधान में चिंतन प्रक्रिया होती है पहला परावर्तित चिंतन दूसरा वैज्ञानिक चिंतन तीसरा विकेंद्रीय चिंतन पैंतीसवा प्रश्न अंतर दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया है उत्तर कोहलर छत्तीसवा प्रश्न अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है उत्तर बहिर्मुखी व्यक्तित्व जो हर बात को बाहर की वो बता देते हैं अव्यक्त कर देते हैं उन्हें बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले कहते हैं सैतीसवा प्रश्न अपूर्ण रेखा चित्र के अर्धपूर्ण तथा रुचिकारक चित्रों को बनाना मापन के लिए एक पद होगा उत्तर सृजनात्मकता के अड़तीसवा प्रश्न अब शिक्षा हो गई है उत्तर बाल केंद्रित उन्चालीसवा प्रश्न अभिक्रमित अधिगम सामग्री में वैयक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि उत्तर विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं। चालीसवा प्रश्न अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग <Srahaid. $1> सर्वोत राजमार् है किसने कहा उत्तर स्किनर ने कहा इकतालीसवा प्रश्न अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है अभिप्रेरणा के बारे में यह कथन है उत्तर स्किनर का बयालीसवां प्रश्न अभिप्रेरणा का अधिगम में क्या महत्व है उत्तर इससे अधिगम अधिगमार्थी सीखने के लिए तत्पर हो जाता है तैतालीसवा प्रश्न अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत नहीं है उत्तर उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत चौतालीसवा प्रश्न अभिप्रेरणा का कौन सा स्रोत है उत्तर पहला आवश्यकता दूसरा चालाक तीसरा उद्दीपन पैतालीसवा प्रश्न अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया उत्तर मॉस्कलो ने छियालीसवा प्रश्न अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है उत्तर जन्मजात तदा अर्जित सैतालीसवा प्रश्न अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है किसने कहा है उत्तर मैकडल ने अड़तालीसवा प्रश्न अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास है उत्तर अंतर्नोद उनचास प्रश्न अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है उत्तर पचासवा प्रश्न अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहा है उत्तर सोरेन्सन सोरेन्सन ने अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहा है धन्यवाद थैंक यू इफ यू लाइक दिस वीडियो Do like, subscribe, and share. See you in the next one. Bye bye. bye.